वो इस दुनिया के पालनहार हैं, वही संसार की शुरुआत और वही इसका अंत है, जो इस धरती पर एक नहीं बल्कि कई रूप में मौजूद हैं, जिनके कई नाम हैं। कुछ लोगों के लिए वो भोला भंडारी हैं, तो कुछ लोगों के लिए कालों के काल महाकाल है। शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व 12 ज्योतिर्लिंगों का है, और हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक इतिहास और प्रचलित कथाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि भारत की इन 12 जगहों पर भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे, और ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव उसी जगह पर आज भी मौजूद है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग का मीनिंग होता है इन्फिनिटी, जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, वो निराकार यानी शेपलेस है। महादेव इस संसार की शुरुआत से पहले भी थे और इस संसार के अंत तक वो रहेंगे। ऐसा कहा जाता है जो भी इंसान इन 12 ज्योतिर्लिंगों का हर दिन सुबह शाम सिर्फ नाम लेता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री महाकाल के दर्शन मात्र से आयु और जीवन संकट कट जाते हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का सबसे प्रिय और अपने भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। ऐसे सारे ज्योतिर्लिंग से जुड़े विशेष महत्व को हम इस सीरीज के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अशोक और आप सुन रहे हैं देवों के देव महादेव भगवान शिव पर आधारित हमारी ओरिजिनल सीरीज 12 ज्योतिर्लिंगास इन इंडिया। इस संसार में केवल शिव ही ऐसे भगवान हैं जिनकी लिंग और मूर्ति दोनों रूप में पूजा होती है, बाकी सभी देवताओं को सिर्फ मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की एनर्जी के सोर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंगों में इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी भरी होती है। इस एनर्जी को इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने आने वाले भक्त खुद महसूस करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जहां जहां भी देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है, उस जगह पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और इसी वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ये बात साइंटिस्ट भी मान चुके हैं। जिन जगहों पर ज्योतिर्लिंग है वहां पर एक अलग तरह की एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी किस तरह की है इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी बनारस में ग्राउंड वाटर के करीब 11 से 12 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल की जांच में वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की बात कही गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो ना सिर्फ रिलीजियस तौर पर बल्कि साइंटिफिक तौर पर 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व है। भारत में जहां जहां भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है, अगर उन जगहों पर मैप मिलाया जाए तो एक शंख का शेप बनता है, और ये बात हैरान कर देने वाली है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना सोच समझ कर एक प्लानिंग करके की गई थी, या फिर ये एक कोइंसिडेंस है? इंडिया में बने दूसरे मंदिरों के कंपैरिजन में 12 ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। हर ज्योतिर्लिंग के बनने की एक अलग कहानी है जो हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ी है, साथ ही हर ज्योतिर्लिंग की कोई ना कोई मान्यता भी है। हमारी इस सीरीज में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में बताई गई जानकारी बहुत से अलग अलग सोर्सेस से ली गई है, जैसे पौराणिक कथाओं, वीडियोस, बुक्स, प्रवचनों एक्सेट्रा। अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत और अलौकिक जर्नी में।